हेलो फ्रेंड्स यार, हम सब लोगों के पास भाई एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। फिर भी भाई कुछ लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग पीछे रहते हैं, कुछ क्लास से फर्स्ट आते हैं और कुछ लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो भाई जो इन सब का रीज़न है ना, वो है भाई टाइम मैनेजमेंट। डेट इज़ हाउ वेल यू आर मैनेजिंग योर टाइम। भाई आप लोग किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करते हो ना, ये आपकी ज़िंदगी को भाई कहाँ से कहाँ लेके जाएगा वो बताता है। तो एज अ स्टूडेंट आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए कि मैं भाई किस चीज़ में कितना टाइम दूंगा और दूसरी चीज़ में कितना टाइम दूंगा, ताकि आप जो भाई एक अच्छे स्कॉलर बन जाओ, एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओ। तो भाई आज मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, क्या है प्रायोरिटी मैट्रिक्स, और भाई कौन कौन से हमें डिस्ट्रेक्शंस आती हैं जिनकी वजह से भाई हम लोग अपना ध्यान नहीं लगा पाते। सो माय नेम इज सर्ज एंड लेट्स स्टार्ट। वी हैव ऑल क्रिएटेड टाइम टेबल्स टू डू लिस्ट एक्सेट्रा टू मैनेज टाइम, बट आई फेल टू फॉलो देम। भाई हम सब लोगों ने अपनी जिंदगी में भाई कभी ना कभी टाइम टेबल बनाया है, लेकिन भाई हम लोग उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते। तर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, जो कि हम अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं करते, जो कि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। लेट्स सॉल्व सम कॉमन प्रॉब्लम्स वी फेस। भाई सबसे पहले आता है, मैं सोचने में बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ। भाई मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, कुछ भी नहीं कर पाता, बस सोचते रहता हूँ। 24 आवर्स होते हैं, मैं दिन में सोच रहा हूँ कि क्या क्या करूँ, और जब टाइम आता है तो भाई कर नहीं पाता मैं। तो भाई अगर आप लोग ज़्यादा सोचते हो ना, तो सोचने में थोड़ा कम टाइम लगाओ और देखो आपको कौन कौन सी चीज़ करनी है, और भाई फोकस करो अपनी पर्टिकुलर थिंग्स पे। जैसे भाई बोल रहा हूँ, आप लोग एग्जाम्स आ रहे हैं तो भाई पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बैठो, ये मत सोचो भाई मैं इसको 6 बजे पढ़ूंगा, इसको 7 बजे पढ़ूंगा, इसको इसमें क्या पढ़ना है, मुझे उसमें क्या पढ़ना है। तो भाई जो दिक्कत आ रही है पहले उसको सॉल्व करके अपना भाई जो टाइम है वो अच्छी जगह पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। और क्या रीजन आता है भाई, और अगर जस्ट ब्रोकअप विद माई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड कांट कंसेंट्रेट। भाई कुछ कुछ लोगों को भाई क्या होता है, मेरे गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, अब भाई मैं अपनी जिंदगी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कंसेंट्रेशन नहीं हो रहा, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें ना भाई स्टूडेंट की लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। और क्या होता है यार, किसी ने भी फोटो लाइक नहीं किया, भाई किसी ने भी मेरी फोटो लाइक नहीं किया, मैंने आधे घंटे से फेसबुक की फोटो डाली है फिर भी कोई लाइक नहीं कर रहा। तो बच्चों एक बार देखना, सबसे बड़ा रोग क्या भाई, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, भाई सबसे बड़ा रोग तो यही है कि क्या कहेंगे लोग। तो इस सॉल्यूशन क्या है, ऐसा मैं क्या करूं कि जो मेरा टाइम है वो अच्छे तरीके से स्पेंड हो। मेक एन एग्जीक्यूशन प्लान। भाई एक एग्जीक्यूशन प्लान बना लो। एग्जीक्यूशन प्लान कैसे बना रहे, डिवाइड योर बिगर टास्क इनटू स्मॉलर वंस। भाई जो बड़े बड़े टास्क है ना मेरे, उनको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ताकि वो जो टास्क है भाई कंप्लीट होने लग जाए। डू कीप बफर टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क। भाई कुछ टाइम जो है मैं अपना कंप्लीशन ऑफ वर्क के लिए रखूंगा, कि भाई मेरा संडे हो गया, संडे को मैं अपने सारे पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करूंगा, और भी अगर कोई वर्क कंप्लीट नहीं हुआ पिछले वाला उसको भी कंप्लीट कर लूंगा, ताकि भाई जो है मेरे पास एक बफर टाइम रहे। संडे वाला दिन मैं बफर में रखूँ, या मंडे वाला दिन बफर में रखूँ, या ट्यूजडे वाला दिन रखूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और क्या भाई, रिफ्रेशर स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन वर्क बूस्ट परफॉर्मेंस। भाई होता क्या है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भाई बीच बीच में स्मॉल ब्रेक्स ले लो, 5 मिनट व्हाट्सएप चला लो, 10 मिनट व्हाट्सएप चला लो, और पूरे भाई 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो। तो भाई स्मॉल ब्रेक से होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो बूस्ट हो जाती है। तो भाई ऐसा नहीं करना कि 1 घंटे व्हाट्सएप चलाओ और 10 मिनट पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, 5 मिनट व्हाट्सएप चलाओ या फेसबुक चलाओ या जो आप लोग चलाते हैं वो चलाओ, सोशल मीडिया, और भाई बाकी टाइम अपना जो है वो कंप्लीट भाई अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को दो। और क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग योर लर्निंग टाइप। भाई बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है कि मैं याद करता हूँ भूल जाता हूँ, मेरे से याद नहीं हो रहा, मैं क्या क्या करूँ, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा। तो भाई जो कॉमन आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये होती है कि आप अपनी लर्निंग टाइप को भाई अंडरस्टैंड करो, कि मेरा लर्निंग टाइप है क्या। तो ये लर्निंग टाइप को होता है विजुअल लर्नर हो गया। भाई विजुअल लर्नर क्या होता है कि मुझे वीडियो देख के याद होता है, मैं वीडियो देख के समझ सकता हूँ और मैं अपना एग्जाम में लिख दूंगा, तो मैं वीडियो पर ज़्यादा कंसर्न दिखाऊँ। और कुछ ज्यादा ऑडिटरी लर्नर होते हैं, कुछ लोग ऑडियो से समझ के करते हैं कि भाई ऑडियो हो गई ना तो मैं उसे समझ सकता हूँ। और कुछ होते हैं भाई रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर। भाई कुछ लोग पढ़ के लिख के याद करते हैं। तो मैं अपना टाइप कैसे पता लगाऊं, भाई अगर मुझे एक मूवी की कहानी पूरी की पूरी याद रहती है ना, तो मैं एक विजुअल लर्नर हूँ। मैं एक विजुअल लर्नर हूँ। तो अगर मुझे सॉन्ग्स जो भाई एक बार में सुनते याद हो जाते, मैं ऑडिटरी लर्नर हूँ। और अगर भाई मैं लिख के और याद करके मुझे एक बार में सब कुछ समझ आया था, तो मैं रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर टाइप का बंदा हूँ। तो अपना टाइप देख लो कि आप कौन से टाइप में आते हो इन तीनों में से। तो भाई प्रायोरिटी मैट्रिक्स है क्या, प्रायोरिटी मैट्रिक्स है कि भाई मैं अपने एक्शन को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँ। भाई 4 पार्ट कौन से, अगर डू फर्स्ट, डू नेक्स्ट, डू लेटर, और भाई डोंट डू, डोंट डू। तो एक्शन भाई डू फर्स्ट में एक्शन कौन सा आता है, भाई अगर मेरे एग्जाम चल रहे हैं ना तो जिस सब्जेक्ट के एग्जाम में मैं उसको सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूँ, उसके बाद अगर भाई जो नेक्स्ट एग्जाम है उस वाले की प्रायोरिटी दूँ, और भाई एक्शन डू लेटर, भाई अगर कोई भी ऐसा टास्क है जो कि भाई मुझे फिर भी करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है ये, लेकिन ये थर्ड नंबर पे आ रहा है तो मैं इस वाले एक्शन का करूँ। और भाई कुछ टास्क होते हैं डोंट डू,
भाई डोंट डू फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, भाई ये सब जो है ना एग्जाम से एक दिन पहले भाई मुझे पता है कि मुझे ये सब चीजें नहीं देखनी चाहिए। और अगर भाई देखना है ना तो भाई थोड़ा सा टाइम देखूं दिन में, आधा घंटा हो गया भाई, पौना घंटा हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा भाई, फेसबुक को नहीं दूंगा, यूट्यूब को नहीं दूंगा, गूगल को नहीं दूंगा। रीजन बींग क्योंकि मैं कंसंट्रेशन जो है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे करना चाहता हूँ। तो ये होती है हमारी प्रायोरिटी मैट्रिक्स, डू फर्स्ट, डू नेक्स्ट, डू लेटर और डोंट डू। भाई अपनी अर्जेंसी के अकॉर्डिंग भाई अपनी इस प्रायोरिटी मैट्रिक्स को डिवाइड कर लो ताकि भाई जो आपका टाइम है ना वो अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए और आप एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओ। अगर भाई फिर भी कोई और डाउट आता है कि हमारे भाई टाइम मैनेज तो हो रहा है लेकिन फिर भी और कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और भी बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू।